हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश यान। फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के बारे में, जो कि ग्रामर में बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है और इसे सबको समझना जरूरी भी है। इसके बिना हम इंग्लिश सीखने की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जब कभी भी ग्रामर लेसन पढ़ने जाओगे तो इस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन का जिक्र आपको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बिगिनर्स के लिए बिल्कुल बेसिक लेवल पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन को हिंदी भाषा में काफ़ी सरल तरीके से समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो है जो अपनी बात रख रहा है, यानी कि जो बात कर रहा है, जिसे हम इंग्लिश में स्पीकर कहेंगे। नेक्स्ट है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन वो है जो पहले पर्सन की बात को सुन रहा है, या पहला व्यक्ति जिसको कोई बात बता रहा है, यानी कि इंग्लिश में लिसनर, सुनने वाला व्यक्ति। ओके, नाउ लास्ट वन इज थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में वो सब होंगे जिनके बारे में बात की जा रही है फर्स्ट और सेकंड पर्सन के व्यक्ति द्वारा। आइए एक एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक एग्जांपल है, टीचर इज टेलिंग द स्टोरी ऑफ घोस्ट टू द स्टूडेंट्स। इसका मतलब है टीचर विद्यार्थियों को भूत की कहानी सुना रही है। अब यहाँ आपको पहचानना है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन को। यहाँ बात कौन कर रहा है? टीचर। तो टीचर है फर्स्ट पर्सन। सुन कौन रहा है कहानी टीचर से? स्टूडेंट्स। तो यहाँ सेकेंड पर्सन होंगे स्टूडेंट्स। और थर्ड पर्सन क्या होगा यहाँ? घोस्ट, यानी कि भूत, जिसके बारे में बात हो रही है टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के बीच में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी हमारी ऐसी ही ईजी इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहे। और चैनल को लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।